गुलबर्गा शहर का मशहूर ताज ढाबा, जिसके टेस्ट के लिए आप हुमनाबाद रोड जाया करते थे, अब वही टेस्ट आपको मिलेगा शहर के ग्रैंड प्लाजा रफ़ी चौक रिंग रोड पर। ताज ढाबा का एक और ब्रांच ओपन किया गया है ताज अरेबियन रेस्टोरेंट के नाम से। ये इनॉग्रेशन ताज ढाबा के ओनर जावेद साहब के वालिदा के हाथों किया गया और साथ ही इस मौके पर इफ्तार पार्टी का भी इंतजाम किया गया था। ताज अरेबियन रेस्टोरेंट के सिर्फ डिशेस ही नहीं बल्कि ताज अरेबियन रेस्टोरेंट के एम्बियंस एक खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया है खदीर आर्किटेक्ट ने। इस इनॉग्रेशन के गेस्ट थे बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब, मोहम्मद अमानुल्ला खान साहब, मज़र अलम खान कुडा चेयरमैन, सैयद मोहम्मद यदुल्ला हुसैनी साहब, सैयद अली बाखर हुसैनी साहब, अदनान खान, जहांगीर खान, कॉरपोरेटर अयास खान, कॉरपोरेटर गौस मत्ती मुडो, कॉरपोरेटर रियाज बेटको, सरफराज खान, मुबीन और कई सारे डिग्नेटरीज मौजूद थे। खास करके ताज ढाबा के डिशेस के शौकीन कस्टमर के लिए अब वही टेस्ट लाया है बिल्कुल करीब, जहां पर अरेबियन डिशेस के अलावा मुगलई और कई तरह के डिशेस मिलेंगे। ताज ढाबा के और भी शानदार और जायकेदार डिशेस के लिए विजिट कीजिए ताज अरेबियन रेस्टोरेंट, ग्रैंड प्लाजा रफ़ी चौक रिंग रोड, गुलबर्गा। बड़ी खुशी और मसरत की बात है, महा रमज़ान के अंदर जो है आज जो है ताज अरेबिया रेस्टोरेंट का ओपनिंग भी जो रफ़ी चौक रिंग रोड पे जो है वाक़े है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी जो है ताज ढाबा के नाम से जो है जो सलाम टेकड़ी पे जो ऑलरेडी जो है जो चल रहा था, जो गुलबर्गा के पूरी आवाम को इत्तला है इसकी, उसी के जो है मालिकान जो है इसको जो है एक बेहतरीन ताज अरेबियन रेस्टोरेंट खोले हैं। यहाँ आके देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की है, अरेबियन कॉन्सेप्ट। मैं अल्लाह से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में खैर बरकत दे, और बिलखसूस मैं मुबारकबाद देता हूँ जावेद भाई को और हमारे मलिक भाई को और सलीम भाई को, अयूब भाई हैं, अब्दुल मतीन साहब को, हाजी पटेल साहब को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं इनको एक मशवरा भी देना चाहता हूं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जैसा ताज ढाबा आप लोगों ने चलाया है वैसा ही टेस्ट को बरकरार रखिए, क्योंकि अक्सर होटलों के कारोबार में स्टार्टिंग 3 महीने जो है बहुत अच्छा रहता है टेस्ट, उसके बाद टेस्ट ख़राब होता है। मगर ये जो है लॉन्ग टर्म में अगर टेस्ट अच्छा रहेगा तो मैं समझता हूँ ऐसे गुलबर्गा में बहुत कमी है ऐसे होटलों की। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से ये अच्छा चलाएंगे, और अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनको जो है कारोबार में कामयाब करे। शाही बरकात हो। आज ताज अरेबियन रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग रफ़ी चौक रिंग रोड पे हुई है, जिसमें शहर के मारूफ शख्सियत यहाँ पर पहुँचे थे, जिसमें बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब, अमान सेठ, हमारे रियाज भटको साहब, तब्बो खान साहब और हमारे गौस खान साहब और दीगर शहर के तमाम लोग यहाँ पर इस ग्रैंड ओपनिंग में मौजूद थे। ताज रेस्टोरेंट ये अभी शहर में डाला गया है, मगर ये ग्रुप जो काम कर रहा है ताज ढाबे के नाम से, पिछले कई सालों से आप टावर गिरा में आप देख सकते हैं इनका टेस्ट और इनकी सर्विस,
इतनी मशहूर है, आप जब भी जाएंगे तो 2-4 हज़ार लोग वहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं बिकॉज ऑफ इनके टेस्ट की वजह से। आप यहाँ पर वो शहर में वो लोग ऐसा माहौल लाए हैं, अरेबियन, ये जो अरेबियन रेस्टोरेंट खोले हैं, हकीकत में यहाँ आने के बाद दिख रहा है ये अरेबियन माहौल यहाँ पर दिख रहा है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, आप तमाम लोग यहाँ पर आइए, आकर यहाँ पर ये जो ताज, ये हमारा जो ताज ग्रुप है, ढाबे का जो ग्रुप है, वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको ढाबे में भी खिलाया है, यहाँ पर इस बार आपको अरेबियन टेस्ट आपको दिया जाएगा। मैं तमाम लोगों से, ख़ास तौर से शहर यानी गुलबर्गा से जो लोग शहर के बाहर तावर ग्रह को नहीं जा सकते हैं, वो आप आकर यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये लोग पिछले 10-15 साल से ये लोग होटल लाइन में हैं, ढाबे के लाइन में हैं, बेहतरीन टेस्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर मंदी मिलेगी, हर वो टाइप जो अरेबियन में मिलता है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा, और ख़ास तौर से इसमें यहाँ पर जो अरेबियन लुक को, ख़ास तौर से इस माहौल को बनाने में हमारे आर्किटेक्ट खदीर साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम उनके पार्टनरों का, ख़ास तौर से हमारे जावेद साहब का, मतीन साहब का, हाजी साहब का, मलिक साहब का, अयूब साहब का, इन पांचों पार्टनरों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूं, अल्लाह ताला ये इनके रेस्टोरेंट को बहुत और आगे बढ़ाए और ऐसी इनो शहर भर रेस्टोरेंट खोले। फिर एक बार मैं मेरी दिल की गहराइयों से तमाम इन पार्टनरों को शुक्रिया अदा कर कर मैं लोगों से अपील करता हूँ, आप यहाँ आकर ये तमाम मंदी और ये अरेबियन टेस्ट यहाँ पर आकर कर सकते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि आज ताज अरेबियन रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुई है, ये मोहम्मदी चौक पे जो इफ्तिताह हुई है आज। ताज, जैसा कि ताज ढाबा गुलबर्गे में इतना फेमस है, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इनका टेस्ट, इनकी हॉस्पिटैलिटी, जो ये कस्टमर से बात करते हैं, जो इनको टेस्ट देते हैं कस्टमर को, वही सक्सेस इतने साल से जो चल रही है अल्लाह के करम से, और यहाँ पर भी आज इनो ताज अरेबियन रेस्टोरेंट डाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वही जो कंटिन्यूएशन जो ढाबे का जो चल रहा है यहाँ पर भी वही सेम कंटिन्यूएशन रहना। तो मैं अल्लाह से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपके कारोबार में खैर व बरकत दे। मैं जावेद भाई को, उनके तमाम फैमिली वालों को बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहर के रिंग रोड पर ताज अरेबियन रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब जावेद साहब, पटेल साहब, मलिक साहब और उनके दोस्तों ने ये नया वेंचर शुरुआत की है। बड़ा ही लजीज खाना है, हमने भी टेस्ट किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान मुबारक के वसीले से, सदक़े तुफ़ैल, इस माह मुबारक की बरकतों को की वजह से इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए और इनको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह द अरेबियन रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है। काफ़ी अच्छा टेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रीवियस जो इनके ओनर हैं जावेद साहब और उनके पूरे तमाम दोस्तान जो आज खोले होटल, वो बड़ी खुशी की बात है। रफ़ी चौक पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, आज काफ़ी अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन हुआ है, काफ़ी स्पेस है,
फैमिली के वास्ते आके बैठने के वास्ते, और अच्छा इंतज़ाम जो है पार्टीशंस का जो करे है फैमिलीज़ के वास्ते बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह आकर आप टेस्ट देखिए, जायका देखिए यहाँ का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की दे, आमीन। बरकात हो। आज ताज अरेबियन रेस्टोरेंट की इब्तदा हुई है। मैं जो है जावेद को और उनकी तमाम पार्टनर्स को जो है दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला जो है इनके कारोबार में बरकत और तरक्की अता फरमाए, हासिदों के हसद से बचाए और भरपूर जो है बरकतें नेमतें नाजिल फरमाए। और साथ ही साथ जो है मैं अवामुन नास से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ, जिस तरह से जो है ताज ढाबे का जो है आप लोग लुफ्त उठाते रहे हैं, उसी तरह जो है ताज अरेबियन जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको टेस्ट में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में मायूस नहीं करेगा। एक दफ़े जो है आप यहाँ पे आके जो है जब आप यहाँ विज़िट करेंगे, यकीनन आपको जो है ऐसा महसूस होगा कि वाकई आप जो है अरब में आए हैं, और अरब में आकर जो है गुलबर्गा का टेस्ट जो है इंशाअल्लाह आपको जो है मैसर होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ताज अरेबियन रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि पहले ताज ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से मशहूर है गुलबर्गा सिटी में। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ताज ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट में लोगों का प्यार मिला है, उसी तरह मैं यहाँ भी वही कोशिश करूँगा कि आके मैं अपना प्यार दिखाऊँ। यहाँ पर मेनू क्या क्या रहेगा, डिशेज यानी कि जो अरेबियन है, चाइनीज़ है, क्या 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 डिशेज है? इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अरेबियन कॉन्सेप्ट में हमने ध्यान दिया है, इंडियन, चाइनीज़ और तंदूर में भी और मुगलई में भी अच्छी खासी कोशिश की हमने। अंदर लोग आगे अलग अलग सीटिंग बने आपने, क्या है वो? सेपरेट सेपरेट पार्टीशन हैं उसमें, जैसे कि फैमिली सेक्शन को पूरा अलहदा है, और उसमें पार्टी हॉल एक है, और उसमें एक मतलब जनरल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ, और साथ ही हमारे पांच पार्टनर ताज अरेबियन रेस्टोरेंट के, जैसे कि जावेद भाई हैं, मतीन भाई, हाजी भाई, मलिक भाई और अय्यूब भाई, इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे एक मौका दिया और उस काबिल समझा उनको रेस्टोरेंट के डिज़ाइनिंग के लिए। रेस्टोरेंट की खासियत मैं बताना चाहूँगा एज एन आर्किटेक्ट आप लोगों को, ये रेस्टोरेंट जो डिज़ाइन किया गया है तीन सेक्शंस में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ऐवान आम जो कि जनरल पब्लिक के लिए है, ऐवान ख़ास जो कि फैमिली सेक्शन के लिए है, और ऐवान शाही जो कि जनरल, जैसा कि अभी यंगस्टर्स हैं या फिर फैमिलीज़ हैं, लार्ज ग्रुप में गैदरिंग्स है, जिसको बहुत लोगों की शिकायत थी कि गुलबर्गा में गेट टुगेदर्स हैं, पार्टीज़ हैं या फिर फैमिलीज़ के लिए एक सिस्टमेटिक एक सेपरेट हॉल के टाइप में जो है यहाँ पे एक इंतज़ाम किया गया, कोशिश की गई है, और यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट टोटली जो है हटकर, जैसा कि आप लोग जानते हैं ताज अरेबियन रेस्टोरेंट जो कि अरेबियन स्टाइल में करने की कोशिश की गई है, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग से गुजारिश करूँगा कि एक बार आके अरेबियन डिशेस का टेस्ट कीजिए। अरेबियन रेस्टोरेंट जो है एक जो है 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट पे बना हुआ रेस्टोरेंट है, जो तकरीबन 170 to 180 डाइनिंग कैपेसिटी है एट ए टाइम, और इसकी ख़ास तौर पे जो खासियत रहा है, पहले के ताज ढाबा जाना जाता था, अब ये जो रहेगा इंशाल्लाह ताज अरेबियन रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाएगा, जो कि उनकी पंच लाइन या फिर टैग लाइन कह सकते हैं आप लोग, द टेस्ट ऑफ गुलबर्गा काफ़ी मशहूर है। ताज टेस्ट ऑफ गुलबर्गा। ताज ढाबे में जो डिशेस मिलते हैं, जो डिशेस को लेकर ताज ढाबा मशहूर है, क्या वही टेस्ट यहाँ पे रहेगा? इंशाल्लाह डिफरेंट रहेगा इंशाल्लाह। ये लोगों की खास तौर पे ये कोशिश है सर्विस और टेस्ट, उसके साथ ही साथ क्वान्टिटी के लिए तो पहले से मशहूर है ताज ढाबा, तो कम कीमत में जो है आपको लगभग सभी चीज़ें उपलब्ध हो रहेगी। जो लोग तावर गिरा नहीं जा सकते या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रहने की वजह से शिकायत रही है, वो लोगों के लिए एक ख़ास तौर पे इंतज़ाम किया गया है। अरेबियन रेस्टोरेंट जो कि मल्टी क्यूसाइन रेस्टोरेंट है, जिसमें मुगलई है, अरेबियन है और कई तरह के डिशेस रहेंगे,